पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर गल शहीद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी सहित 9 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों पर चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी प्रचार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे थे। ये मुकदमा मुरादाबाद के MP MLA ACGM 4 में विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट में हाजिर न होने के चलते इमरान प्रतापगढ़ी सहित 3 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं। ये मुकदमा आपके दर्ज हुआ था 23/4/2019 को, इस समय लोकसभा के चल रहे थे चुनाव, तो चुनाव प्रचार के दौरान इनके द्वारा चुनाव प्रचार का जब समय समाप्त हो गया था करीब 12:45 बजे, करीब 40 से 50 गाड़ी में ये थे मोटरसाइकिल में, 2 करीब कारें थी क्षेत्र में जो पुलिस गश्त कर रही थी, तो उन्होंने जब देखा सामने से भीड़ आ रही है तो इनको रोका कि भाई चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया, आप प्रचार ना करें। लेकिन उनके द्वारा मना करने पर भी ये नहीं माने और इन्होंने विरोध करा उस चीज़ का, तो उसी का ये मुकदमा इन पर दर्ज करा गया था। अच्छा, कितने आरोपी थे इसमें? इसमें करीब 9 अभियुक्त नामजद करे गए थे, बाकी शेष अज्ञात में करे गए थे, 50 से 60 लोग करीब। अपडेट दिया गया कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से अपडेट के जिन 6 लोगों ने बेल करा ली है वो तो बेल पे हैं, 3 लोगों ने इसमें बेल नहीं कराई है अभी, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी हैं राज्यसभा लोकसभा सांसद और 2 और हैं इसमें, उन लोगों ने बेल नहीं कराई, उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करे हैं। नेक्स्ट क्या डेट लगी है इसमें? 9 जनवरी लगी हुई है। कौन से कोर्ट में चल रहा है? ACGM 4। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।